सबसे पहले तो सड़क है, जल जमाव है, गंदगी है, बिजली की तारें जितनी जाल की तरफ बिछी हुई हैं वो सही होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जो आपराधिक घटनाएं हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो मेरा रहेगा कि इस पर सबसे पहले काम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, और जितनी जगह अवैध तरीके से जो काम होता है वो नहीं। मेयर प्रत्याशी सोनी देवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली जनता पर है पूरा भरोसा, जीत है पक्की। 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है, ऐसे में आज प्रचार की आखिरी तारीख है जो कि आज शाम थम जाएगी। 28 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले अपनी उम्मीदवारी दे रहे तमाम प्रत्याशियों ने अपने जीत का दावा करते हुए कहा है कि जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी सिलसिले में मेयर प्रत्याशी सोनी देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पूरे नगर निगम क्षेत्र का विकास के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र पूरी तरह नरक निगम हो गया है, मुझे अगर जनता चुन लेती है तो मैं पूरे बेगूसराय को खूबसूरत स्मार्ट सिटी बनाने का पूरी तरह प्रयास करूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी हमारी माताओं बहनों के साथ छेड़खानी एवं अन्य तरह की घटनाएं होती हैं उसे रोकने के लिए हर वार्ड में हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगी, साथ में हर वार्ड में 4 पुलिसकर्मी हमेशा अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि हर वार्ड का एक शिकायत पेटी रखा जाएगा जिसमें जनता अपनी शिकायतें उसमें लिखकर डालेंगी, उसके बाद उस शिकायत का तुरंत निवारण किया जाएगा। पूरे नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे काम हैं जो अब तक नहीं किए गए हैं, अगर वह जीतती है तो उन कामों को प्राथमिकता के साथ पूरा करेगी। बेगूसराय से दिनेश चौधरी चालू हो हर गांव में, जिसे गांव की महिलाएं पूरे जगह पूरे दिन क्या 4 घंटा काम करती हैं, बाद बाकी तो समय बैठी ही रहती हैं, वो लोग काम कर सकें उस पे, और थोड़ा उससे हमारे देश का कुछ अगर भलाई होता है तो वो भी हो, और अपना उनका समय भी व्यतीत हो, उसमें मन भी लगा रहे हैं। और युवाओं को रोजगार चाहिए, छोटा छोटा रोजगार तो जरूरी है, सभी जितने भी वार्ड हैं उसमें छोटा छोटा पार्क होना चाहिए, उसमें हमारे तरफ से ये मेरा अपना सपना है कि अगर मैं आती हूँ तो हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगे, और हर वार्ड में नहीं ज़्यादा तो कम से कम 4 पुलिसकर्मी जरूर हों, जिससे कि और उन पुलिसकर्मी का सब हर वार्ड के जितने भी जनता जनार्दन है उनके पास उसका नंबर हो, कि अगर कुछ भी थोड़ा भी आपराधिक घटना घटता है तो उनको कॉल जा सके। उसके बाद है मेरा मन, मेरा अपना दिली इच्छा कि अगर जनता से डेली रूबरू तो हम हो नहीं सकते हैं, उनका समस्या तो डेली हम सुन नहीं सकते हैं, हर जगह एक ही आदमी हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, तो वो अपना समस्या तो मेरे पास भेज सकते हैं, तो जितने भी वार्डर होंगे जो भी अभी बन के आएंगे उन सब के घर के आगे एक बैलेट बॉक्स होगा, और जनता जनार्दन को जितनी शिकायतें होंगी उसमें लिख कर उसमें वो डालेंगे, और हर वार्डर वो शाम में मेरे पास लेके आएंगे उनके पढ़ने के लिए, और उनका जितना ज़्यादा जिसका समस्या है वो बताने के लिए मेरे पास एक मेरे सहयोगी होंगे, और वो मुझे बताएंगे, और जो समस्या जितना ज़्यादा होगा पहले उन पर काम किया जाएगा। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है जी, पिछले एक महीने से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है जनता का क्या रुझान आपकी तरफ है, आप तो क्षेत्र घूमे हैं। जितना हम उम्मीद नहीं किए थे उससे ज्यादा जनता हमसे प्रभावित है। क्या लगता है जनता अपना आशीर्वाद, बहुमूल्य आशीर्वाद देके अगर आपको इस पद पर बैठाते हैं तो किस तरह से जनता के सुख दुख में साथ रहिएगा मैम? जहाँ वो मुझे ढूंढेंगे वहाँ हर जगह हम अवेलेबल रहेंगे जी, सुख में ढूंढे तो दुख में ढूंढे तो दुख में ज़्यादा अवेलेबल रहने की कोशिश करेंगे, सुख में मान लीजिए थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे या आएंगे, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर दुख है तो उसमें हम हर जगह अवेलेबल रहेंगे। बहुत से युवा पढ़ लिख कर इधर उधर बेरोजगार की तरह ढनक रहे हैं मैम, और उनको बाहर जाके कहीं कमाना पड़ता है 2-4-5 हज़ार की मंथली, तो मैम उनके लिए क्या, अगर जीत के आते हैं तो क्या खुशखबरी रहेगी उनके लिए, युवा के लिए? ये सब जो छोटा छोटा लघु उद्योग या कुटीर उद्योग हर वार्ड में हम सुनिश्चित जो व्यवस्था करेंगे, तो वो तो महिलाएं उसके अंदर काम करेंगी, और उनको चलाने के लिए उनका जो व्यवस्थापक हो गया वही युवा वर्ग ही होंगे ना, तो उनके लिए ये सब यथासंभव जितना हमसे कोशिश हो सकेगा जरूर करेंगे। तो लास्ट में जितना भी अभी जो भी जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो अपना चुनाव चिन्ह और बता दीजिएगा, क्रमांक संख्या बता दीजिएगा। मैं सोनी देवी बेगूसराय नगर निगम की मेयर प्रत्याशी, मेरा क्रमांक संख्या 19, और बल्ब छाप है, जनता मालिक से यही
उम्मीद करती हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बना। मैं कैसा लगा जनता का आपका आशीर्वाद, कैसा लग रहा जो मिल रहा है? बहुत बढ़िया, ये दिखाने की चीज़ नहीं है, ये तो देखने की चीज़ है। तो आज जनसंपर्क में आप जा रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो हम आप लोग के साथ हैं। तो फिर अभी के बाद पाँच बजे तक आप लोग का टाइम दिया हुआ जी, उसके बाद सब चीज़ बंद होगा। 5 बजे तक आज लोग आप लोग क्षेत्र में रहिएगा या आप लोग पहले ही बंद करके रेडी हो जाइएगा? देखिए, पहले ही बंद करना और क्षेत्र में रहना दोनों अलग अलग बात है, लेकिन हम आचार संहिता के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल तो हम घर में ही हैं और घर में ही रहने की कोशिश करेंगे। आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जीत पक्की है? जी पक्की है, जनता का पूरा आशीर्वाद आपके साथ। पूरा आशीर्वाद है। चलिए, बताने की चीज़ नहीं है, ये देखने की चीज़ है।